और 25 दिसंबर के दिन क्रिसमस का पर्व बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ ईसाई समाज के लोगों ने मनाया। सेंटेनियल चर्च में प्रार्थना सभा की गई और यहाँ मेले का आयोजन भी किया गया। 25 दिसंबर के दिन सेंटेनियल चर्च में रौनक देखने को मिली। यहाँ तस्वीरें इसी बात का जवाब दे रही हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया है। सुबह से ही सेंटेनियल चर्च पर लोगों का आवागमन शुरू हो गया था। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। क्रिश्चियन समाज के लोग आज के दिन को बड़े ही उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं और बेसब्री से आज के दिन का इंतजार भी करते हैं। सेंटेनियल चर्च में सुबह प्रार्थना सभा प्रार्थना की गई। इन तस्वीरों में आप आसानी से देख सकते हैं। यह तस्वीरें प्रार्थना सभा की हैं। प्रार्थना सभा करते हुए क्रिश्चियन समाज के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को याद किया और उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया, जिसके बाद की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ लोगों ने मोमबत्तियाँ जलाकर प्रभु यीशु मसीह को याद किया और अपनी मन्नतें भी मांगी हैं। खुशी इस तरह थी कि यहाँ सांता क्लॉज की ड्रेस में बच्चे भी देखने को मिले। सेंटेनियल चर्च पर एक मेले जैसा नज़ारा दिखाई दिया। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ मेले जैसी तस्वीरें देखने को मिली हैं, जिसमें बच्चों में भी गजब का उत्साह देखने को मिला। क्रिश्चियन समाज के लोग सज धज कर सेंटेनियल चर्च पहुँचे थे और अपनी खुशी का इजहार इन लोगों ने किस तरीके से किया है, अब जरा यह भी देखिए। मसीह परिजीवनों के लिए बहुत आनंद का दिन होता है, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने आज के दिन जन्म लिया और उसके द्वारा हमने अपने पापों से मुक्ति पाई। उसने संसार के अंदर आकर बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए। उसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और हम लोग के यहाँ कैरल सिंगिंग और प्रार्थनाएं सभाएं की जाती हैं देश की शांति के लिए, और हम सब हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। बच्चे खुश होते हैं और बच्चों को गिफ्ट बांटते हैं, और इस तरीके से हमारे मसीह मतलब सेलिब्रेट होता है, लंच होता है। हम लोग घर डोर टू डोर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। खुशी का आनंद का पल होता है हम लोग के जीवनों के लिए। इसी से हम लोग की एकता का प्रतीक होता है कि हम सब मिलकर इस त्यौहार को सेलिब्रेट करें।